फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 बीसी से 1700 बीसी मानी गई। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम सहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कांसा धातु का खोज किया था और यह कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। पूरी तरह नगरीय सभ्यता होने के कारण प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में इस सभ्यता को जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रथम नगरीय क्रांति का उदय जो है सिंधु सभ्यता से हुआ है। यहां की नगर नियोजन, यहां की सुनियोजित नालियां, पक्के ईंट, पक्की सड़कों, जिसके वजह से इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिधम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन इसलिए कहा गया है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है मिस्र और मेसोपोटामिया से होने का प्रमाण मिलता है और उसमें उन सभ्यताओं में बहुत कुछ में समानता देखा गया है, जैसे वहां की नालियां, वहां की ईंटें और भी बहुत कुछ में समानता पाया गया है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल सुतका कैंडोर, जो दासक नदी के तट पर बसा हुआ था, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर यूपी, जो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था, उत्तरी पुरास्थल मांडा या जम्मू कश्मीर या चिनाव नदी के तट पर बसा हुआ था, दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद में है या महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुत्कोदादा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता की सभी नगर दो भागों में बटे हुए थे, जिसे पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले कहा जाता है। यह पूर्वी टीले जहां पर प्रशासनिक लोग बसे हुए थे, पश्चिमी टीले में आम लोग बसे हुए थे। तो इस प्रकार से मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। अब आगे हम लोग इनके शहर के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर हड़प्पा, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई थी, चलिए देखते हैं, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। 1856 में ब्रंटन भाई दो भाई थे, जॉन ब्रंटन
एवं विलीन बराबर ने इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हड़प्पा स्थल की ओर जो है अपना ध्यान इन दोनों भाइयों ने केंद्रित किया था। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन करवाया था। पहले जो है जिस स्थल की खुदाई होती थी उस स्थल के नाम से भी उस सभ्यता को जाना जाता था। जिस तरह से हड़प्पा शहर का खोज हुआ था और इसी हड़प्पा के नाम से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त दो टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था जहां पर प्रशासनिक लोग बसे हुए थे, तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। सुरक्षा प्राचीर यानी कि चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और मुख्य द्वार पर द्वारपालक होता था जहां पर उस किले की सुरक्षा करते थे। हड़प्पा के एफ टीला या एफ टीला जो है जहां पर 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं तथा 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए। इसका प्रयोग मुख्यतः अनाज पीसने में किया जाता था। हड़प्पा के दक्षिण में समाधि R-37 मिला है। हड़प्पा के दक्षिण तट पर खुदाई से समाधि R-37 मिला है। यहां पर खुदाई से कुल 57 शवाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा में जो शव की खुदाई हुई थी उसका नाम R-37 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज हड़प्पा शहर के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।